हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश बैटल। तो आज जो हम स्टोरी रीड करेंगे वो एक ट्रू स्टोरी है। आप चाहें तो इसके बारे में गूगल भी कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टोरी को न्यूज़पेपर्स में भी कवर किया गया था। तो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की स्टोरी है अ टाइम ट्रैवलर। ऑन 28th ऑफ जनवरी 2003, डेट यानी तारीख के साथ हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। तो 28 जनवरी 2003 को अ पर्सन नेम्ड एंड्रू कार्लसन, एक व्यक्ति जिसका नाम एंड्रू कार्लसन था, वॉज अरेस्टेड, गिरफ्तार किया गया था, एंड डिटेन्ड, और डिटेन्ड किया गया था। डिटेन्ड मीन्स हवालात में रखा गया, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, फॉर इंसाइडर ट्रेडिंग एट द वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट में इंसाइडर ट्रेडिंग के लिए उसे अरेस्ट किया गया था और हवालात में रखा गया था। इंसाइडर ट्रेडिंग मीन्स अवैध तरीके से शेयरों की खरीदी बिक्री करके लाभ कमाना। एंड वॉल स्ट्रीट फाइनेंशियल मार्केट है यूनाइटेड स्टेट्स का, जैसे कि इंडिया में NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और निफ्टी है। ओवर अ 2 वीक पीरियड, 2 सप्ताह के अंदर, इन द स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट मीन्स शेयर बाजार, तो 2 सप्ताह के अंदर शेयर बाजार में एंड्रयू वेंट फ्रॉम हैविंग $800 टू $350 मिलियन। अगर हम $800 को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो वो होंगे 56,000, और $350 मिलियन इंडियन रुपीस में होंगे 24,500 मिलियन। तो उसने 56,000 रुपयों से 24,500 मिलियन रुपीस बनाए, मीन्स उसने 56,000 रुपये इन्वेस्ट करके उनके 24,500 मिलियन बना लिए। इट इज़ लाइक, यह ऐसा है, वट एवर ही इन्वेस्टेड इन, वट एवर मीन्स जो कुछ भी ही इन्वेस्टेड इन, उसने निवेश किया, टर्न इनटू गोल्ड, सोने में बदल गया। मींस ये ऐसा है कि उसने जो कुछ भी निवेश किया वो सोना बन गया। इट इज नियरली इम्पॉसिबल, ये लगभग असंभव है, टू मेक दिस काइंड ऑफ प्रॉफिट, इस तरह का लाभ बनाना, दैट ही डिड, जो उसने किया, मींस जिस तरह का लाभ उसने बनाया वो बनाना लगभग असंभव है। He was arrested, उसे गिरफ्तार किया गया, by the cops, पुलिस वालों के द्वारा। Cop बोलते हैं हम पुलिस को, and cops means एक से ज्यादा पुलिस वाले। So he was arrested by the cops on the allegation, allegation means आरोप। तो उसे इस आरोप पे पुलिस वालों के द्वारा गिरफ्तार किया गया, that कि he must have had illegal insider information। इलीगल मीन्स गैर कानूनी, एंड इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मीन्स अंदरूनी जानकारी, मीन्स जो आम जनता को पता नहीं होती है। एंड मस्ट हैव हैड, एक ग्रामर पैटर्न है जो इस तरह से होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ड की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही, मस्ट हैव एक मॉडल वर्ब का काम कर रहा है, एंड हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है, एंड इलीगल इनसाइडर इंफॉर्मेशन है ऑब्जेक्ट। तो जब भी आपको किसी सेंटेंस में मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो इसका मतलब होगा कि इस सेंटेंस में पास्ट की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। जैसे कि इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि उसके पास जरूर अंदरूनी गैर कानूनी जानकारी होगी, बट लेकिन व्हेन आस्क्ड, जब पूछा गया, Why, क्यों, and how, और कैसे, he did this, उसने ऐसा किया या उसने यह किया, the cops were not really expecting, पुलिस वाले वास्तव में उम्मीद नहीं कर रहे थे what Andrew had to say, जो Andrew को कहना था। He claimed, उसने दावा किया to be a man, आदमी होने का, From the year 2256, तो उसने कौन से साल का होने का वादा किया,
2256। उसने वादा किया कि वो 2256वें साल से आया है। Since he was from the future, क्योंकि वह भविष्य से था। Since का यहाँ पे मीनिंग है क्योंकि, इसकी जगह हम यहाँ पे because भी यूज कर सकते थे। And future means भविष्य, means आने वाला टाइम। तो वो आदमी कहाँ से आया था? फ्यूचर से आया था। तो क्योंकि वो फ्यूचर से आया था, he knew exact, वह वास्तव में जानता था how the stocks were going to perform, कि जो shares हैं वो किस तरह परफॉर्म करने वाले हैं, मीन्स कौन सा शेयर अप जाएगा एंड कौन सा शेयर डाउन जाएगा। ऑब्वियसली, जाहिर तौर पर द कॉप्स थॉट, पुलिस वालों ने सोचा या पुलिस वालों को लगा दिस गाय वॉज टॉकिंग अटर रबिश, कि वो बिल्कुल बकवास बात कर रहा है। रबिश मीन्स बकवास एंड अटर मीन्स पूरा या पूर्ण, गाय मीन्स आदमी। बट लेकिन आफ्टर ही वॉज रिलीज्ड, उसे रिहा किए जाने के बाद ऑन बेल, जमानत पर, ही डिसअपियर्ड, वह गायब हो गया विदाउट अ ट्रेस, बिना किसी निशान के। बेल मीन्स होता है जमानत, डिसअपियर मीन्स गायब होना, एंड डिसअपियर्ड मीन्स गायब हुआ, ट्रेस मीन्स निशान। एंड इवन आफ्टर रिपीटेड अटेम्प्ट्स, और बार बार कोशिश किए जाने के बाद भी, ही कुड नॉट बी फाउंड, उसे ढूंढा नहीं जा सका। मीन्स उसे बार बार ढूंढने की कोशिश की गई लेकिन उसे ढूंढा नहीं जा सका। ही कुड नॉट बी फाउंड एक पैसिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे हमने फाइंड की थर्ड फॉर्म लगाई है। फाइंड होती है फर्स्ट फॉर्म एंड फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाउंड होती है थर्ड फॉर्म। Was he telling the truth? क्या वो सच कह रहा था? Who knows? कौन जानता है? But do you know? लेकिन क्या आप जानते हैं? Andrew predicted. Predict का मतलब होता है पूर्ण अनुमान लगाना, means भविष्यवाणी करना, कि जो चीज अभी हुई नहीं है उसके बारे में बता देना। तो Andrew ने पूर्ण अनुमान लगाया। So Andrew predicted the exact date of the US invasion of Iraq. Exact means सटीक and invasion means आक्रमण। तो उसने US के इराक आक्रमण की सटीक तारीख का पूर्ण अनुमान लगाया या सटीक भविष्यवाणी की थी। And even offered, और उसने पेशकश भी की थी to tell the cops, पुलिस वालों को बताने की where Osama bin Laden was hiding, कि Osama bin Laden कहाँ छुप रहा था। And cure for AIDS, और एड्स का इलाज। इफ ही वॉज अलाउड, यदि उसे अनुमति दी जाती टू लेट गो, जाने देने की, बाय द कॉप्स, पुलिस वालों के द्वारा, मीन्स अगर पुलिस वाले उसे जाने देने की अनुमति दे देते तो वो उन्हें ये सब कुछ बात बता देता। बट ऑब्वियसली, लेकिन बेशक, द कॉप्स लाफ्ड एट ऑल हिज क्लेम्स कंसिडरिंग देम अटर नॉनसेंस, पुलिस वाले उसके दावों पर हंसे, उन्हें बिल्कुल बकवास मानते हुए। Laughed means हंसे, claims means दावे, considering means मानते हुए, utter nonsense means कोरी बकवास, बिल्कुल बकवास। तो आज की स्टोरी होती है यहीं पर खत्म, और यदि आप चाहें तो इसके बारे में गूगल पर और पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।